नमस्कार, अपना पंजे देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन सोनू के साथ। रीवा के काफी हाउस में एक ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस के आयोजन कीन का हवे। कॉन्फ्रेंस में बतावा गा कि रीवा के टीआरएस कॉलेज में प्रोफेसर उमा परहुआ स्मृति टेबल टेनिस के आयोजन कीन जात लाग हवे। यह बेर की यह स्पर्धा के 25 साल होत लाग हमा। पहले यह प्रतियोगिता मेडिकल कॉलेज रीवा में होत रही हवे। ये हमारा जो टूर्नामेंट है 25 सालों से अनवरत चल रहा है और इसके प्रमुख रूप से मेन जो हैं हमारे प्रदेश भिन्न प्रदेश या प्रदेश के प्रख्यात चिकित्सक और चिकित्सा से बढ़ के समाज सेवा के क्षेत्र में आगे रहने वाले हमारे इस जिला टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष डॉक्टर के परवा सर, आप लोग हमेशा परवा सर को देखते आए हैं कि रीवा में कोई भी अगर आपदा होती है, कभी भी दुर्भाग्य से कोई किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो उसमें सबसे पहले बढ़ चढ़कर उमा परवा चैरिटेबल ट्रस्ट आगे आता है और हमेशा आगे आता रहेगा। जीते हुए खिलाड़ी हमारे राज्य स्टेट तक में नेशनल राष्ट्रीय स्तर तक में जा करके अपनी एक पहचान बनाई, एक पकड़ बनाई। अब मैं इन जो स्पर्धाएं जो हम लोग करने जा रहे थे, इस बार चूँकि हमारा ये 25वां वर्ष होने जा रहा है तो हर वर्ष विजेताओं को एक अच्छी ट्रॉफियाँ हम लोग प्रदान किया करते हैं, प्रमाण पत्र दिया करते थे, लेकिन इस साल हम लोगों ने उनको कैश प्राइज भी दिया है। तो पुरुष एकल विजेता जो रहेगा उसको हम लोग 2100 रुपये का और 2100 रुपये के साथ उनको एक अच्छी ट्रॉफी प्रदान करेंगे। उप विजेता को 1100 रुपये एक बढ़िया ट्रॉफी, महिला एकल विजेता को 1100 रुपये, उप विजेता को 1100 रुपये, महिला एकल विजेता को 2100 रुपये, उप विजेता को 1100 रुपये, वेटरन्स विजेता को 2100 रुपये, उप विजेता को 1100 रुपये, पुरुष युगल विजेता को 2100 रुपये, उप विजेता महिला युगल उप विजेता को 1100 रुपये, विजेता को 2100 रुपये, 1100 रुपये इस टीम इवेंट्स विजेता को 2100 रुपये और उप विजेता को 1200 रुपये, बालक एकल विजेता को 1100 रुपये, उप विजेता को 500 रुपये, बालिका एकल विजेता को 1100 रुपये, उप विजेता को 500 रुपये, बालक क्रेडिट विजेता को 1100 रुपये, उप विजेता को 500 रुपये और बालिका क्रेडिट 1100 रुपये और 500 रुपये। तो ट्रॉफी तो देंगे ही, प्रमाण पत्र तो देंगे ही, इनको हम लोग ने थोड़ा थोड़ा सा कैश प्राइज भी दिया है इनके मनोबल को बढ़ाने के लिए। और कि इस टूर्नामेंट के दौरान जो 26 से 28 तक टीआरएस कॉलेज में खेला जाना है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण स्मारिका का प्रकाशन होने जा रहा है। वो स्मारिका जो है उसमें बहुत महत्वपूर्ण लेख हैं, इतिहास से संबंधित लेख हैं, खेल से संबंधित लेख हैं और 25 वर्षों में उन खिलाड़ियों के नाम हैं जो विजेता को विजेता रहे हैं। तो इनका सबका संकलन जो है उसका विमोचन 25 तारीख को पर्यावरण संतुलन में प्रचुर मात्रा ऑक्सीजन की उपलब्धता, अच्छी हवा या सब भाव कले की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रीवा नगर इकाई द्वारा शहर के सरकारी नेत्रहीन स्कूल में सगले शिक्षक और छात्र छात्रन के साथ 200 पौधा लगाए के पर्यावरण संरक्षण के संदेश दिन हमा। स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट के माध्यम से वृक्ष मित्र अभियान के तहत पौधा लगाए के हमा, जे माँ प्रांत कार्यकारिणी सदस्य ऋषु तिवारी, कुरुक्षेत्र एकेडमी के डायरेक्टर आशुतोष तिवारी, काजल, आकांक्षा, सोनू और छात्र उपस्थित रहे। घरे से दूरी खेते में लगे चंदन के पेड़ में बदमाश हाथ साफ कई दिन हमा। घटना के जानकारी के बाद पुलिस मौके में पहुंची और तलाश करीन ता चंदन के पेड़ के काटे गए टुकड़ा बरामद कई लिहीन हमा। घटना बिछिया थाना क्षेत्र के कनौजा गांव के बताई जाती। त्योंथर जनपद पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आवे वाले घूमा गांव के खुले वेयर हाउस से अनाज के सड़ाई के मामला प्रकाश में आवा हवे, जेके बाद मामला में कलेक्टर तुरंत जांच टीम के गठन कई के उचित कार्यवाही के बात करीन हमा। बताबा जात है कि वेयर हाउस के मैनेजर के लापरवाही के चलत घूमा गांव में उचित रख रखाव के न होए के चलत 20,000 मीट्रिक टन अनाज खराब हो गया हवे, जेमा गेहूँ और धान शामिल हमा। इसकी सूचना आई है कि भूमा हमारा वेयर हाउस है, वहाँ पे कुछ मात्रा में धान का ख़राब होने की सूचना है।
वहाँ के SDM साहब से भी इस संबंध में चर्चा की गई है। अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को भेजा गया है। फूड इंस्पेक्टर को यहाँ से निरीक्षण के लिए हम लोग भेज रहे हैं और इसके अनुसार जो जिम्मेदार लोग होंगे जिनकी वजह से ये खराबी हुई है उसके खिलाफ कार्रवाई जो भी न्यायोचित कार्रवाई है वो की जाएगी। आज खातिर इतना, बघेली में बिंद के समाचार देखे खातिर बने रहे विराट के साथ। नमस्कार।